वालेकुम एंड वेलकम। मैं इस वक्त अज़रबैजान बाकू में हूँ और पाकिस्तान टेक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ था, तो मैंने सोचा मैं अपनी कुछ सजेशंस और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को शेयर करूँ यहाँ पे, जो डेफिनेटली बिज़नेस ट्रिप और फैमिली या इंडिविजुअल ट्रिप्स में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। जो गलतियाँ मैंने की या जो चीज़ें मैंने मिस की, अभी मैं हूँ मज़ीद 5-6 दिन यहाँ बाकू में, ठीक है, तो मैं आपको कई चीज़ें छोटी छोटी बताऊंगा यहाँ पे जो आप लोगों के काफ़ी काम आएंगी इंशाल्लाह ताला। सो नंबर वन ये है इसके अंदर कि जब आप कराची से आ रहे हों तो कोशिश करें कि कोई डायरेक्ट फ़्लाइट लें। उसकी वजह यह है कि 4-5 घंटे का स्टे होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, टिकट उतने का ही पड़ता है। लाहौर और इस्लामाबाद से PIA की फ़्लाइट्स डायरेक्ट आती हैं, जो भी मेरे साथी आ रहे थे, लेकिन कराची से PIA आपको दुबई छोड़ के चला जाएगा, दुबई से आगे आपने ख़ुद लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर उसी रेट में कोई अच्छी फ़्लाइट्स मिल रही हो, PIA का रेट नॉर्मली 125 से 130 है, फ़्लाइट दुबई का भी यही है, अगर इससे बेहतर एमिरेट्स या कतर एयरवेज़ मिली हो तो कोशिश करें उसको प्रेफर करें। टर्किश एयरवेज़ अगर मिली हो तो उसको प्रेफर करें, क्योंकि फ़्लाई दुबई वगैरह शायद इतनी कम्फर्टेबल नहीं होती, और क्योंकि रात भर का सफ़र है या थकन ज़्यादा हो जाती है, सुबह फजर के टाइम पे आपको दुबई एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, ठीक है। सेकेंडली, पाकिस्तान से निकलते ही दुबई एयरपोर्ट पर और यहाँ बाकू में नमाज़ के थोड़े इश्यूज़ हैं, मुझे प्रैक्टिकली फ़ेस हुआ था। लास्ट टाइम जब मैं दुबई एयरपोर्ट गया था उस वक्त तो मस्जिद ही बंद थी, बाहर आप कोई भी चीज़ तौलिया या कुछ रख के नमाज़ पढ़ रहे थे सजदे की जगह पे। इस दफ़ा गया तो छोटी सी ही मस्जिद खुली हुई थी इन्होंने, बकिया एरिया शायद बंद था, तो उसमें इतनी जगह होती नहीं कि आप नमाज़ वगैरह पढ़ सकें, तो उसके लिए कोई तौलिया रुमाल रख के बाहर ही आपको नमाज़ पढ़नी पड़ती है। यहाँ बाकू में मैंने अभी, मुझे आज 4th-5th दिन है, मुझे कोई मस्जिद नहीं मिली, किसी होटल में कोई मसल्ला नहीं मिला, मसल्ला जो नमाज़ की मसनूई टेम्परेरी जगहें बनाई हुई होती हैं वो नहीं मिली। पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ पे 2 या 3 ही मस्जिद हैं, उसमें से एक मस्जिद का मुझे नाम मालूम है, अली हैदर मस्जिद है, जिसको अभी मैं इंशाल्लाह विज़िट करूँगा, ठीक है। जुमे की नमाज़ का भी मुझे नहीं पता लगा कहाँ होती है, कितने बजे होती है, किस तरीके से है। अज़रबैजान अगर जुग्राफियाई लिहाज से देखें तो ये यूरो एशिया मुल्क है, यानी कि ये आधा यूरोप में है आधा एशिया में है। तुर्की साथ लगता है आपका, या आर्मीनिया साथ लगता है, आर्मीनिया से अभी इनकी जंग भी हुई है, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं। आपको कोई ज़बान आती हो नहीं आती हो, लेकिन ये आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। इमरान खान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तैयब अर्दोगान को बहुत अच्छे तरीके से ये लोग जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो अज़रबैजान है इनकी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली तुर्क लैंग्वेज है। अगर हिस्ट्री पढ़ें या मैं थोड़ा सा नेट पर सर्च कर रहा था तो तुर्क लैंग्वेज है, आज़री ज़बान इनकी कहलाती है। इनकी जो करेंसी है वो मनात कहलाती है, जो कि पाकिस्तानी आजकल के दौर के हिसाब से 140 रुपये चल रहा होता है। तो अगर आपके पास, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो तकरीबन $1,000 रख के लाने होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो एयरपोर्ट पर पूछते हैं कि आपके $1,000 हैं कि नहीं है, हमसे तो नहीं पूछा, लेकिन किस पर डाउट होता है तो वो ज़रूर पूछते हैं इससे, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो वॉशरूम्स में मुस्लिम शावर्स नहीं हैं, तो वॉशरूम्स में पानी के इशूज़ इस तरह से रहते हैं कि मुस्लिम शावर नहीं होंगे तो फिर आपको पाकी नापाकी के थोड़े से मसले होते हैं, उसको ज़्यादा देखना पड़ता है कि किस तरह से हल करें। टिशू पेपर यूज़ करने वाली आवाम है ये लोग, ठीक है ना। बहसियत ये लोग मुस्लिम हैं, बट मुसलमानों की कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी यहाँ पर, बिल्कुल ओपन है हर चीज़, ठीक है। और जो सकाफ़त है डेफ़िनेटली वो तुर्क के लिहाज से ऐसी जगहें और वो हैं जो जैसे बोलते हैं उस्मानी हुकूमत का थोड़ा सा शनासा दिखाते हैं आपको। रशिया से टूटा हुआ हिस्सा है ये, सोवियत यूनियन में था ये, 7 जो 5 कंट्रीज़ थे, तुर्कमानिस्तान था, ताजिकिस्तान था, अज़रबैजान था, उज़्बेकिस्तान था और किर्गिस्तान था, ठीक है ना। तो उसमें से अज़रबैजान जो है वो दरिया के समंदर के इस तरफ पड़ता है जहाँ पे यूरोप का मोस्ट हिस्सा है, बकिया 4 ममालिक जो हैं आपको वो एशिया साइड पर ही पड़ेंगे, यूरोप साइड पे वो नहीं है। उसमें से इवन के ताजिकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से भी लगता है, ऊपर चित्राल की तरफ अगर आप जाएं गरम चश्मा रंदू की तरफ तो वहाँ से आपका ताजिकिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा आपका लगता है अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ साथ, यानी कि अफगानिस्तान से साथ ताजिकिस्तान आपका टकराता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ख़र्चे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कोशिश करें कि बोल्ट को यूज़ करें, बोल्ट बहुत सस्ता है यहाँ पर, जिस तरह हमारा उबर करीम इस तरह बोल्ट है, बोल्ट डाउनलोड करें और इन्जॉय करें, बहुत सस्ता पड़ता है। मैंने तकरीबन 4 दिन से मैं बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ, 2 मनात 3 मनात। मैं अपने होटल से निज़ामी स्ट्रीट जाता हूँ जिसको जाने में मुझे 25 मिनट लगते हैं, तकरीबन 5-6 किलोमीटर बनता है, ठीक है ना। अगर 5-6 किलोमीटर भी आप लगा लें तो तकरीबन भी कोई 7-8 सौ का बिल बनता है, ठीक है ना, पाकिस्तान में कराची में अगर उबर करीम यूज़ करें। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल टैक्सी लेंगे तो वो 25-30 मनात आपसे ले लेगी,
अक्सर 40 मनात भी ले रही थी। तो बोल्ट का इस्तेमाल करना ना भूलें, बोल्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें कराची से ही, उसको अपने नंबर पर रजिस्टर कर लें और फिर यहाँ से आप आके उसको यूज़ करें। 2 मनात 3 मनात हर जगह मिल जाएगी, काफ़ी रैपिड है, फ़ौरन फ़ौरन आती है, बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। हुकूमत अमीर है, आवाम गरीब है। हुकूमत कैसे अमीर है, क्योंकि हम लोग की डायरेक्ट B2B मीटिंग्स हुई हैं कस्टमर्स के साथ, हमारी टेक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे, तो हमने कस्टमर्स के साथ मीटिंग की है, तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ कि आप लोग बोल्ट को यूज़ करें, ठीक है ना। बोल्ट को यूज़ करने के साथ साथ ये है कि अपने साथ $1,000 ला रहे हैं, आई थिंक इनफ है। $1,000 तकरीबन आप समझ लीजिए कि मैंने लास्ट टाइम अभी $117 निकाले थे बैंक से, उसके अगेंस्ट में मुझे $117 के अगेंस्ट में मुझे 200 मनात मिले थे यहाँ पे, ठीक है ना। बैंक यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी कार्ड भी इस्तेमाल हो जाता है, बाहर के कार्ड हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे, डॉलर्स हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास $120 हैं तो 200 मनात मिलेंगे, तो 117 से 120 चल रहा होता है पर 200 मनात के हिसाब से, ठीक है। तो $1,000 ला रहे हैं आप, तो $1,000 पर आप समझ लीजिए कि आपको, मेरा जहाँ तक ख्याल है, कोई 1400-1500 मनात शायद या इसके करीब करीब आपको मिल जाएंगे, जो कि इनफ होंगे, बहुत होंगे। खाना यहाँ पे सस्ता है, लेकिन पाकिस्तानी वैरायटी मुझे अभी तक यहाँ कोई ऐसी मिली नहीं। तुर्किश खाने ज़्यादा हैं, आज़री खाने हलाल हैं सारे, बट उस तरह का टेस्ट या उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं मिली। उसके अलावा जो चीज़ बताने वाली है, साइकिलिंग चल रही है यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर साइकिल ली हुई, मैंने 6 मनात की और साइकिल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, घूमने वाली बहुत सारी जगह हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि पर कैपिटा इनकम क्यों कम है, किस तरीके से यहाँ पे जो ड्राइवर हैं वो नॉर्मली आप समझ लीजिए डेली का 20-25 मनात कमाते हैं। 50 मनात बहुत अच्छा है, 50 मनात को आप मल्टीप्लाई कर लें पाकिस्तानी 1 मनात 140 रुपये से, तो तकरीबन 50 मनात कोई मेरा ख्याल है कुछ 7-8 हज़ार रुपये के करीब करीब बनने चाहिए, हाँ ऐसे ही कुछ बनते हैं 7-8 हज़ार रुपये, तो ये पर डे ये लोग कमाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जाहिर है उसके हिसाब से खर्चे और वो भी हैं, तो 50 मनात में बहुत अच्छा बता रहा हूँ, एवरेज ड्राइवर 15-20-25 मनात यहाँ कमाता है, ठीक है ना। अच्छा, घूमने वाली जगहें जो हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर बाकू के अंदर कुछ मॉल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा रेड कारपेट म्यूज़ियम है, मैं वहीं आया हुआ उस वक्त, रेड कारपेट म्यूज़ियम के सामने कुछ बिल्डिंग्स हैं, और उसके अलावा साहिल समंदर लगता है यहाँ पे बाकू का, क्योंकि बाकू शहर जो है वो साहिल का इलाका है, तो यहाँ साहिल समंदर भी लगेगा आपको पीछे की तरफ, ठीक है ना। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये पैदल चलने वालों का ट्रैक है, और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये साइकिल का ट्रैक है, क्योंकि मैं अभी साइकिलिंग ही कर रहा था, साइकिल मैंने यहाँ से ली थी, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा साइकिलिंग करूँ यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो आप इसके दूसरे शहर भी एक्सप्लोर करें, मशहूर शहर है कबाला, ठीक है, वहाँ आप जाएँ, नोहर लेक आपको मिलेगी, नोहर लेक के साथ चश्मे मिलेंगे आपको, फिर आगे आप जाएंगे एक जगह आएगी तूफ़ान दाग, तूफ़ान दाग भी ज़रूर जाइएगा। तूफ़ान दाग के अंदर आपको जो है वो विलास मिलेंगे जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरा बाकू आप आराम से, मतलब इंक्लूडिंग कबाला वगैरह, आप 3 से 4 दिन में घूम लेंगे, इनफ होगा। निज़ामी स्ट्रीट सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रीट है, जो दोनों तरफ उसके रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की जगहें हैं, ठीक है ना। तो ये यही है सिर्फ, इसके अलावा तो मुझे कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आई। मस्जिदें हैं, रेड कारपेट म्यूज़ियम है, हैदर अलवेव म्यूज़ियम है, वो आपको मिलेगा, सेंटर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो इशू है वो ज़बान का है, उर्दू ये लोग समझते नहीं हैं, इंग्लिश मेजॉरिटी को नहीं आती, मेजॉरिटी को, तो हम लोग इशारों में बात कर रहे होते हैं, इशारों में, ठीक है ना। कुछ ज़बान के एक्सटेंड, कुछ इशारों, मुंह के इशारे, हाथ के इशारे से करके बताना पड़ता है कि भाई आप ये मांग रहे हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, मैंने उनको बोला यार बोल्ट में टॉप अप कर दें, जैसे हम करीम में करवाते हैं कि आगे इस्तेमाल हुआ है, वो समझा मैं उसको टिप दे रहा हूँ, उसने अपनी जेब में डाल दिया, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से उससे निकलवाए मैंने पैसे। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। सेकेंडली ये है कि आप जब यहाँ बुकिंग वगैरह करें तो कोशिश करें booking.com से बुकिंग कर लें, ठीक है ना। यहाँ किसी के ट्रैवल एजेंट से ना करवाएं, खर्चा पड़ेगा, ठीक है, ऊपर ही पैसे जाएंगे। booking.com से बड़े आराम से बुकिंग होएंगे। मैंने एल्बा होटल लिया है क्योंकि मेरी बिज़नेस कम्युनिटी वहीं रुकी हुई थी एल्बा होटल में, तो मैंने अपनी फैमिली के लिए भी वहीं बुक कराया। फिर एल्बा होटल बहुत अच्छा होटल है, पर थोड़ा महंगा है, पर डे मेरा ख्याल है कोई आप समझ लीजिए 8 से 10 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से है। मैंने ऐसे होटल भी देखे थे booking.com पे जो कि पर डे के हिसाब से 3,000 रुपये के हिसाब से थे, 3 से 4 हज़ार रुपये, तो वो भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप
क्या किस तरह का होटल लेना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है समंदर के किनारे लें, आप शहर के अंदर भी ले लें, कहीं पे निज़ामी से हट के भी ले लें। बोल्ट मौजूद है, 2-3 दिनार के अंदर आपको मनात के अंदर आपको वो पहुँचा देगी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। इसके अलावा ये है कि क्या नाम है, वीज़े की 4 कॉपियाँ रखिएगा। एक कॉपी आपको बोर्डिंग पास के वक्त देनी होगी जब आप कराची से बोर्डिंग कर रहे होंगे या लाहौर वगैरह कहीं से भी। उसके अलावा एक कॉपी FIA वाले रखेंगे आपकी, एक कॉपी जो है वो आपकी दुबई एयरपोर्ट पर लेंगे, मुझसे भी मांगी थी, ठीक है ना। मैंने डिजिटल और डिजिटल चल जाती है, मैंने जो डिजिटल दिखाई थी क्योंकि मेरे पास फिज़िकल कॉपीज़ ख़त्म हो गई थी। और लास्ट कॉपी आपकी बाकू एयरपोर्ट पर लेंगे जब आप एग्ज़िट कर रहे होंगे, उस वक्त मैंने डिजिटल ही दिखाई थी। कुछ लोगों को उन्होंने प्रिंट करने के लिए भेज दिया था, मेरी डिजिटल उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो मैं निकल गया फिर आगे। ओके टू बोर्ड की स्टैम्प भी प्रॉपर लगी हुई होनी चाहिए। सो ये चीज़ें थी जो आपको बताना मकसूद थी। इसके अलावा अगर कोई आपकी कोई राय हो, कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ, तो कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।